English to them. ये भी बद्रीनाथ होकर के आए हैं। अच्छा, कपाट खुली थी उससे तुरंत भाग गए थे। प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अभी प्रजा बहुला मे करो रे तो अस्मा सुधत्त त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ऐसे उतार के पाठ को चला दीजिए। आरती सबको दिखा, आप लोग पुष्प हाथ में लेंगे, पुष्पांजलि कर जायते सर्विघ्नौ शांते अभिसिद्धि सिद्ध्यार्थे पूजिता सुरासुरे सर्विघ्ने हर तस्मे श्री नमहादि गणपते नमः श्री गुरुचरण कमले भ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः नमः श्री गुरुचरण। तो हमने सोचा कि पहले यहाँ की धरती के लिए जो वचन दिया है उसको पूरा कर लें और तब योजना के अनुसार वहाँ पर जाएं। तो व्यक्तिगत पूर्व में किसी को दिए गए वचन की पूर्ति के लिए हमारा अभी यहाँ आना अचानक हुआ। हम 22 जिलों में जाने के लिए आने वाले थे, इसी बीच में कुछ स्वास्थ्य भी हमारा खराब हुआ तो जो कार्यक्रम हमारे बने थे वो सब निरस्त कर दिए गए। फिर तो थोड़ा स्वस्थ हम हुए तो हमने ये 3 दिन का समय निकाला। बात यह है कि वाराणसी में एक चिकित्सक हैं डॉक्टर पांडे, और जब हम अध्ययन कर रहे थे तब से ही जब कभी हमको स्वास्थ्यगत समस्या होती थी तो वो चिकित्सा किया करते थे, तो उनसे बड़ा मन मिल गया था। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, हम लोग भी अपने कार्य में व्यस्त हो गए, डॉक्टर साहब भी अपने कार्य में थे। एक दिन हमको सूचना मिली कि उनका एक इकलौता बेटा जो जवान हो चुका था वो अचानक दुर्घटना में मारा गया। तो
फिर जब हमको समय मिला तो हम उनके घर में उनको मिलने के लिए गए सांत्वना देने की दृष्टि से। तो वो बहुत रो रहे थे, उनकी पत्नी भी रो रही थी, और बार बार ये कह रहे थे कि हमारे बेटे ने ये संकल्प लिया था कि हम आपको वैष्णो देवी का दर्शन कर और दर्शन कराने के लिए जो सामग्री आदि की जरूरत थी वैसी को लेने के लिए बाजार गया था और वहीं से लौट रहा था और ये घटना हो गई। तो हमने जब ये सुना तो उनको सांत्वना देने के लिए हमने उनसे कहा चिंता मत करिए, हम आपको वैष्णो देवी का दर्शन कराएंगे, उसका जो बाकी काम है आपके बेटे का उसको हम पूरा करेंगे, आपका बेटा बन करके पूरा करेंगे। तो उनको बड़ा संतोष हुआ, उनकी पत्नी को भी बड़ा संतोष हुआ, और फिर ये बात आई गई हो गई। दिन बीत गए, दो सवा दो साल इस बात को हो गए, और हम लोग भी काम में व्यस्त थे, कभी मौका लगाते थे लेकिन लगता नहीं था। तो अभी ये जो स्वास्थ्य के कारण कार्यक्रम निरस्त हुए तो थोड़ी सी हमको ताकत आई, तो हमने सोचा कि ये अच्छा मौका है, सब कार्यक्रम निरस्त हो चुके हैं, क्यों ना हम दिए गए वचन का निर्वाह करके आ जाएं। तो हमने अपने लोगों से कहा कि डॉक्टर पांडे को हमको वैष्णो देवी का दर्शन कराने लेकर के जाना है, तो कार्यक्रम बनाइए। तो ठीक है, ये बात हो गई, अच्छा लग रहा है और भाग्यशाली समझता हूँ, और अपने इलाके के लोगों के लिए भी बड़ा भाग्य वाला दिन यहाँ पे है कि शंकराचार्य जी यहाँ पे आए हैं और हमारे निवास स्थान में वो विश्राम यहाँ पे करेंगे, और संत समाज का एक बहुत बड़ा वो चेहरा यहाँ पे है। भाग्यशाली के साथ साथ यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग मिलकर नफरत की दीवारें गिरा दें और भाईचारे के साथ यहाँ पे रहें। जब इनका प्रवचन यहाँ पे होगा, सुनने को यहाँ पे मिलेगा, तो हमारी अंतरात्मा का मैं समझता हूँ कि उसमें भी हम साबुन के साथ तो शरीर धोते हैं लेकिन उनके प्रवचनों के साथ अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाएंगे, हमारी सोच हमारी विचारधारा शुद्धिकरण हो पाएगी और हम आगे अच्छे ढंग से बढ़ पाएंगे, अच्छी सोच को लेकर बढ़ पाएंगे, अच्छे कार्य करेंगे, पूरे रास्ते तक यहाँ पे करेंगे। ये संदेश है, और इसलिए जम्मू कश्मीर तो ऋषि मुनियों की धरती है, पीर पैगंबरों की धरती है, और फकर हम वैसे महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर में उस रियासत के वासी थे जहाँ पे त्रिकुटा पहाड़ियों में माता वैष्णो देवी वास करती है, और अमरनाथ सिर के स्थान कश्मीर वादी में यहाँ पे है, और भाईचारे की संस्कृति हमने इनको भी रास्ते में बताया कि हम मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं कि वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए जाएँ या अमरनाथ के दर्शन करने के लिए जाएँ। घोड़ा गुजर बरादरी का होगा लेकिन पीठ के कंधों पर हिंदू बरादरी का आदमी होगा, बुजुर्ग होगा, बच्चे होंगे, उनको लेके वो कश्मीर के लोग बाबा अमरनाथ के दर्शन कराने के लिए जाते हैं, ऐसी परंपरा वैष्णो देवी में भी है। तो ये संस्कृति है कि हम सब लोग मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं, और उनके संदेश जो होगा जो अपने जरिए वो यहाँ पे संदेश देंगे, हमें लगता है कि उनके संदेश के बाद ज़रूर बदलाव यहाँ पे आएगा और हमारी सोच बदल पाएगी और अपने आप को अगला जन्म इस जन्म और अगले जन्म में यही एक रास्ता है। गाय की पूंछ तो पकड़ना लेकिन संत समाज के साथ उनके साथ उनके सुर के साथ उनकी भावनाओं के साथ बह जाना, उससे भी मैं आप समझता हूँ। सर उनका आगमन तो हुआ है लेकिन क्या संदेश लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं? और वो वैष्णो देवी जाएंगे माता के दरबार में उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए, और आज वो यहाँ पे संगत को भी यहाँ पे मिलेंगे, संत समाज के लोग भी यहाँ पे होंगे, ये आम सभा नहीं है, ये एक रूहानी दरबार है। कितने दिन तक उनका आगमन यहाँ पर रहेगा? ये आज भी रुकेंगे, कल वैष्णो देवी जाएंगे, फिर शाम को भी यहाँ पर रुकेंगे, ये आज भी इधर रहेंगे, कल अभी सारा पत्रकारों से भी मुलाकात होगी, लोगों के एक धर्म महासभा भी यहाँ पे होगी, और उसके बाद ये विश्राम करके कल वैष्णो देवी जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे दर्शन, वहाँ पे गुफा में भी पूजा अर्चना यहाँ पे होगी, फिर रात को यहाँ पे विश्राम करेंगे और दूसरे दिन ये वापस अपने स्थान पे यहाँ पे चलेंगे।